वेदाश्च प्रणोति तस्मै तम्हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अनिर्वाच्य विद्यादितयसचिवस्य प्रभवतो विवर्तायास्यैते वियदनिलतेजोभवनयः यतश्चाभूद्विश्वम् चरमचरमुचवचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें हम लोग विचार कर रहे हैं। ग्रंथ आरंभणीय है, इसकी सूचना करता है सूत्र अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि यहाँ पर जिज्ञासा शब्द आया। जिज्ञासा से ही सूचना होती है। क्योंकि जिज्ञासा कारण है और संशय और प्रयोजन कार्य होता है ना? तो उल्टा कह दिया, जिज्ञासा कार्य है और संसार प्रयोजन कारण होता है ना? ठीक से एक बार सुन लीजिए, जिज्ञासा कार्य है और संसार प्रयोजन कारण होता है। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है, कारण का निश्चय हो जाता है। पर्वतो बह्निमान धूमात्, बह्नी नहीं दिख रही है, धूम दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष धूम को देख करके बन्ही का निश्चय हो जाता है। क्योंकि बन्ही यदि ना हो तो धूम नहीं हो सकता वहाँ पर, क्योंकि धूम के प्रति बन्ही कारण होता है, कारण है। इसलिए धूम यदि बन्ही को छोड़कर रहता है तब तो फिर बन्ही से जन्य धूम ना होता, क्योंकि बन्ही से ही जन्य उत्पन्न होता है धूम। इसलिए धूम बन्ही को छोड़ करके नहीं रह सकता है। तो ठीक जिस प्रकार धूम को देख करके बन्ही का निश्चय किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से जिज्ञासा शब्द को सुनकर, जिज्ञासा है कार्य, तो जिज्ञासा शब्द को सुनकर कारण का निश्चय हो जाएगा। जिज्ञासा कारणीभूत, जिज्ञासा का कारण होता है संशय और प्रयोजन। तात्पर्य क्या निकला?
जिस विषय के ऊपर संशय हो, जिस विषय का कोई प्रयोजन होता हो, तो उस वस्तु के विषय में जिज्ञासा होती है, उसको जानने की इच्छा होती है, समझ में है ना। फिर उसमें फिर प्रवृत्ति हो जाती है आगे, पहले ये विचार आया। इसीलिए भगवान व्यास जी ने अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए ब्रह्म के विषय में संशय हो रहा है साधक को, और उसका ज्ञान का फल भी है, प्रयोजन भी है, ये सिद्ध हो जाता है ना। इसलिए ब्रह्म सूत्र जो शास्त्रात्मक ग्रंथ, पूर्व उत्तर मीमांसा वेदांत मीमांसात्मक जो शास्त्र है, तर्क शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, इसका आरंभ करना चाहिए। तो यहाँ का जो विचार है ब्रह्म सूत्र में, ब्रह्म के विषय में विचार है, उपनिषद के विषय में विचार है यहाँ पर, तो ऐसा विचार पूर्व मीमांसा जो जैमिनी सूत्र का है, जैमिनी महर्षि का, वहाँ पर ये विचार नहीं है। वहाँ पर धर्म के विषय में विचार किया गया, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा है ना। और यहाँ पर अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय में यहाँ पर विचार है। तो पूर्व मीमांसा में ब्रह्म के विषय में विचार नहीं किया गया, समझ में आ रहा। इसीलिए यह ग्रंथ गतार्थ नहीं है, इसका विचार पहले नहीं हुआ है, इसलिए विचार करना चाहिए। और पूर्व मीमांसा का विषय, पूर्व मीमांसा का प्रयोजन, पूर्व मीमांसा का अधिकारी, ये सब अलग अलग है, समझ में है ना। और वेदांत का विषय अलग है, वेदांत का प्रयोजन भी अलग है, इसका अधिकारी भी अलग है, ये समझ के रख लो, है ना। तो पूर्व मीमांसा में उसका विषय होता है धर्म, उसका विषय होता है धर्म, तो धर्म कैसे होगा, जागादि करेगा, तो उसका प्रयोजन क्या है, स्वर्ग, स्वर्ग की प्राप्ति, पारलौकिक का सुख की प्राप्ति। तो यहाँ का अलग है, यहाँ का विषय है शुद्ध आत्मा, अद्वैत आत्मा, इसका प्रयोजन है मोक्ष, ज्ञानाते वो दुखे वल्यम, ये कहा गया। हाँ, और उसका अधिकारी, उसके अधिकारी के लिए साधन चतुष्टय संपन्न की कोई आवश्यकता नहीं है, संसार से वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ का अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न है कि नहीं, देखो सब अलग अलग है कि नहीं। इसीलिए इसका विषय आदि अलग है, अधिकारी आदि अलग है, इसलिए ग्रंथ का आरंभ करना चाहिए, है ना, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा। अच्छा, इसमें तीन पद कहा, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र को, ये ब्रह्म सूत्र में चार, ऐसे तो पूरे ब्रह्म सूत्र ही विचारणीय है, परंतु ब्रह्म सूत्र में चार सूत्र मुख्य है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ है ना। तो इसी के ऊपर ज्यादा पठन पाठन चलता है, इसलिए भगवान शंकराचार्य भी इसी में ज्यादा जोर लगाया, और इससे पहले अध्यासभाष्य में। तो पहला पद हो गया अथ, अथ का अर्थ हुआ आनंतरीय अर्थ, भाष्यकार ने आनंतरीय अर्थ लिखा। तो इसके ऊपर विचार हो रहा है, भाई आनंतरीय अर्थ क्यों लेते हो, क्योंकि अथ का बहुत सारे अर्थ हो सकता है, मंगल भी होता है, आरंभ भी होता है, अथा तो धर्म जिज्ञासा आरंभ किया है ना, अथ योगानुशासनम, महर्षि पतंजलि लिखा, वहाँ पर भी अथ का अर्थ आरंभ है ना। अथात तो ज्योति का अथ ऐसा ज्योति ही, भावतीकार ने कहा, ये वैदिक वाक्य अथ ऐसा ज्योति ही, अथ का अर्थ भी वहाँ पर आरंभ है, अधिकार मतलब आरंभ। तो वहाँ पर जैसे
अथ शब्द का अर्थ आरंभ है, ऐसा यहाँ पर अथ शब्द का अर्थ आरंभ क्यों नहीं करते हो? आगे कहेंगे मंगल कर लो तो इसका भी निराकरण करेंगे। अरे मंगल तो स्वयं तुझे सुनने मात्र से मंगल हो जाता है। एक वस्तु दूसरे के लिए प्रयुक्त हो तो उसका कार्य दूसरा भी हो जाता है। जैसे मैया मान लीजिए मटकी में जल ला रही है वो तो जल तो पीने के लिए ला रही है, लेकिन उसको देखने मात्र से भी क्या हो जाता है? मंगल हो जाता है है कि नहीं? ऐसा जैसे कोई घंटी बजा रहा है, देखो चूहे को बजाने के लिए भी घंटी बजा रहा है कि नहीं? लेकिन उसको सुनकर के मंगल हो जाएगा ऐसा भी हो जाता है। तो चलो तो इसलिए मंगल भी नहीं कहेंगे। तो पहले तो आरंभ को लेकर कहा जा रहा है। तो भाष्यकार ने कहा कि अथ शब्द अनंतर्यार्थ परिगृहते न अधिकारार्थ है ना। अथ शब्द यहाँ पर अधिकार, अधिकार मतलब आरंभ है। ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्व हेतु दिया गया, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म को जानने की इच्छा है भी, इसका आरंभ नहीं किया जा सकता है। जिज्ञासा का आरंभ नहीं होता है, समझ में ना? जिज्ञासा तो हो जाती है, संशय प्रयोजन हो तो जिज्ञासा हो ही जाती है, इसलिए जिज्ञासा आरंभणीय नहीं होती है। इसलिए अथ का अर्थ यहाँ पर आरंभ नहीं करना है, अनंतर ही करना है। साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर, अरे भी अनुभव में भी बैठता है कि नहीं अनुभव में भी बैठ जाता है, इसलिए शास्त्र को अनुभव में लाओ। अरे जिसके जीवन में साधन चतुष्टय संपत्ति होगी वो क्या करेगा? तो कर्म करेगा, उपासना करेगा, अष्टांग योग करेगा, क्या करेगा वो? कि मेरा स्वरूप क्या है उसको जानने के लिए ही जिज्ञासा होगी ना, और क्या होगी? गुरु के पास जाएगा, इसलिए श्रुति कह दिया तद विज्ञानार्थम, देखो तद विज्ञानार्थम गुरु वाविगच्छेत सूत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, ये कह दिया कि नहीं? समित पाणी हो करके शास्त्र भी कह दिया, अनुभव में आता है ना? इसलिए तद विद्धि पणिपाते न परिपश्न सेवया, ये कह रहा वहाँ पर भी ये अनुभव में भी बैठता है भाई। अच्छा, इसी के ऊपर हम लोग भामती में विचार कर रहे हैं, है ना? तो देख लीजिए आप लोग, 56 पेज नंबर में आया नीचे से दूसरी पंक्ति, जिज्ञासा तावत इह सूत्रे ब्रह्मणश्च तद्ज्ञानश्च शब्दतः प्रधानम प्रतीयते। तो ब्रह्म जिज्ञासा कह दिया है ना, जिज्ञासा ही यहाँ पर प्रधान है, मुख्य है ना? जिज्ञासा यहाँ पर मुख्य है इस सूत्र में, किसकी अपेक्षा से? ब्रह्मण तद्ज्ञानच्च, पाठ देखो तत्प्रज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि सूत्र में तो ब्रह्म जिज्ञासा ही पद है, फिर प्र उपसर्ग को कुछ है ही नहीं, ये प्र अधिक छपा है, सुधार लीजिए। सूत्रे ब्रह्मण पंचमी का एक वचन, तद्ज्ञानात् ये भी पंचमी का एक वचन, ब्रह्म और ब्रह्म का ज्ञान है ना, इसकी अपेक्षा से शब्द से प्रधानम प्रतीयते। प्रधान कौन है? जिज्ञासा। जिज्ञासा ही यहाँ पर क्या है? प्रधान है, यही प्रतीत होता है। इसलिए जिज्ञासा का आरंभ तो होगा नहीं, कहना क्या चाहते हैं? जिज्ञासा का आरंभ नहीं होगा, इसलिए आरंभणीय जब है ही नहीं जिज्ञासा, इसलिए उसके लिए अर्थ शब्द आरंभ अर्थ में हो ये नहीं घटेगा, ये कहना चाहते हैं। अनंतर अर्थ में तो घट जाएगा, साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर तो परमा जिज्ञासा होगी। अच्छा आगे देखो नारायण, नच यथा दंडी प्रेषान अन्वाह इत्यत्र अप्रधानमपि दंड शब्दार्थो विवक्षते, ये कह रहे देख लो जैसे मीमांसा में आया भाई कि यथा दंडी प्रेषण अन्वाह है ना, वो दंड पकड़ा है भी, दंड दंड को पकड़ कर रखने वाला जो व्यक्ति है उसको कहेंगे दंडी,
दंड के सहारे में रहने वाला जो दंडी व्यक्ति, दंडी का अर्थ होता है दंड अस्य अति दंडी, है ना। प्रथमा एक वचन दंडिन, नकारांत दंडिन शब्द का प्रथमा एक वचन बनता है दंडी, दंड वाला को कहेगा दंडी। तो मुख्य कौन है भाई? मुख्य हो गया व्यक्ति, है ना। विशेषण हो गया दंड, दंडी व्यक्ति का विशेषण प्रकार, है ना। तो दंड हो गया, दंड वाले का विशेषण दंड होता है। और मुख्य तो व्यक्ति होगा, है ना। गौण और प्रधान दंड होगा, फिर भी यहाँ पर दंड में विवक्षा की गई, पूर्व पक्षी कह रहे हैं, है ना। दंड वाला व्यक्ति दंड के सहारे में रह करके आज्ञा वचन को उच्चारण करे, प्रेषण अन्वाह, ये वेद में कहा गया। तो भावार्थ क्या हुआ यहाँ पर? इत्यत्र अप्रधानमपि, अप्रधान होता है दंड यहाँ पर, क्यों? विशेषण होने से। फिर भी अप्रधान जो दंड है ना, इसी में ही इस वाक्य की विवक्षा है, दंड शब्दार्थो विवक्षते। तो एवं इहापि, इसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा में भी, है ना, ब्रह्म तद्ज्ञाने इति युक्तम, ये कह रहा, देख लो। इसलिए क्या हुआ है? ब्रह्मा अथवा उसका ज्ञान, ब्रह्मा उसका उसका अथवा ज्ञान, है ना, ये तो विशेषण है ना। तो ब्रह्मा अथवा उसका ज्ञान, ब्रह्मा विषयक जो ज्ञान, तद विषयक इच्छा, ये तो ब्रह्म जिज्ञासा है। इसलिए ब्रह्मा अथवा ब्रह्म का ज्ञान, यही विशेषण होने से अप्रधान है। इसमें ही क्या है? इसकी विवक्षा हो जाए, उसका आरंभ हो जाए, इति न युक्तम, ये भी कहना ठीक नहीं है, ये बोलते हैं। उसमें अधिकार अर्थ का अन्वय हो जाए, किसके साथ? ब्रह्म अथवा ब्रह्म का ज्ञान, ये अप्रधान होने पर भी, है ना। इसमें अथ शब्द का अर्थ जो आरंभ है, आरंभवाच्य का जो अथ शब्द है, उसका अन्वय जिज्ञासा के साधना करके ब्रह्म अथवा ब्रह्म का ज्ञान, उसमें अन्वय हो जाए, इति न च युक्तम, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। न च को इधर लगाना भैया, न च यथा में न च को ला करके इति न च युक्तम, ऐसा कहना ठीक नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। सिद्धांती बोल रहे, सिद्धांती क्या कहना चाहते हैं वो दिमाग में पकड़ कर रख लो। कहना ये चाहते हैं कि अथ शब्द का अर्थ आरंभ नहीं है, अथ शब्द का अर्थ अनंत है, बस इतना समझ कर रखना है। तो क्यों नहीं है बाकी अर्थ, ये विचार चल रहा है। ब्रह्म मीमांसा शास्त्र, ये जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म मीमांसा शास्त्र है। मीमांसा का अर्थ पूजित विचार, अनुकूल विचार, ज्ञान के लिए अनुकूल विचार को कहते हैं मीमांसा, ठीक है ना भाई। और किसका, किसकी मीमांसा हो रही है यहाँ पर? धर्म की नहीं, धर्म की मीमांसा तो पूर्व कांड में, वो कर्म कांड में, वो यहाँ पर तो ब्रह्म की मीमांसा है। तो ब्रह्म की मीमांसा है ना, यही शास्त्र है, ये ब्रह्म मीमांसा शास्त्र है, ब्रह्म सूत्र। इसमें प्रवृत्ति होगी साधक की, है प्रवृत्ति का अंग होता है, प्रवृत्ति का अंग कौन अंग हुआ का? संशय प्रयोजन है, देखो, है ना भाई। संशय हो और उसका जानने से कोई प्रयोजन हो, तब जा करके प्रवृत्ति होती है कि नहीं? इसलिए यत्र यत्र प्रवृत्ति तत्र तत्र संशय प्रयोजनम, प्रयोजनम ये हो जाएगा, है ना। ये होता है जिस विषय में हमारी प्रवृत्ति होती है, उसके में क्या होता है? हमारा समय संशय होता है, और उसका जानने से कोई प्रयोजन भी होता है, पहले बता दिया ना। संशय हो और प्रयोजन हो, तब जा करके प्रवृत्ति होती है, तब उसका विचार होता है ना। केवल संशय होने मात्र से भी नहीं होता है। जैसे
करट दंतवा कह दिया ना भामतिकार ने, कौवा का दांत, कौवा का दांत कितना हो सकता है कि नहीं, दांत पहले डॉक्टर लो, कौवा का कौवा का दांत, कौवा का दांत कितना हो सकता है, संशय तो है लेकिन उसको जानने से क्या होगा, कोई प्रयोजन नहीं है ना, इसलिए संशय प्रयोजन ये हो गया अंग, किसका अंग हो गया, प्रवृत्ति, इसलिए ब्रह्म का स्वरूप क्या है, सविशेष है कि निर्विशेष है, निर्विशेष है तो अपने से भिन्न है कि अभिन्न है, ये संशय है कि नहीं, और उसका प्रयोजन भी है, ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन भी है, इसलिए ये संसार प्रयोजन क्या है, अंग हो गया, किसका अंग भी, प्रवृत्ति, शास्त्र में जो प्रवृत्ति होती है विचार के लिए जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति का अंग हो गया संशय प्रयोजन, ऐसे संशय प्रयोजन को सूचन करने के लिए सूचनार्थत्वे ना, सूचना है सूचित, सूचित करना, सूचन करने के लिए, सूचित करने के लिए यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया भाई, जिज्ञासा, जिज्ञासा शब्द का प्रयोग किया, इसलिए जिज्ञासा एवं विवक्षितत्वात् है ना, इसलिए जिज्ञासा ही यहाँ पर इसलिए विवक्षित है ना, और ऐसी विवक्षा यदि नहीं करोगे आप तो इस ऐसी विवक्षा यदि न करोगे हैं तो फिर यह सूचना ही नहीं होगी, जिज्ञासा शब्द के द्वारा क्या सूचना हो रही है, संशय है और प्रयोजन है, ये सूचना हो रही है कि नहीं, तो वहां पर धूम है देखो तो क्या सूचना हो गई, वहां पर बन्नी है, बन्नी कहने की आवश्यकता नहीं है, बन्नी कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा होता है। अच्छा इसी ठीक इसी प्रकार यहाँ पर तद अविवक्षायाम तद असचुनेना, देखो जिज्ञासा में यदि हमारी विवक्षा नहीं होगी वो यदि प्रधान नहीं होगा, जिज्ञासा यहाँ पर प्रधान है कि नहीं, तो वो यदि विवक्षित ना हो तो तद असूचनेना फिर संसार प्रयोजन की सूचना ही नहीं होगी है ना, तो फिर क्या होगा, काकदंत परीक्षायामी वो, देखो भामती का नष्पर्श बोल दिया पहले जो कहा था, काकदंत परीक्षायामी वो, जैसे कौवा का दांत की परीक्षा कोई नहीं करता है, संशय होने पर भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वहाँ पर नहीं होती है परीक्षा के लिए प्रवृत्ति नहीं होती है ना, तो परीक्षा होती है क्या सुजाता जी, हाँ दांत के डॉक्टर हो परीक्षा हो क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं, संशय तो हो सकता है लेकिन प्रयोजन नहीं है, ठीक है ना, इसी प्रकार हम लोगों के वेदांत में संसार में कोई रुचि नहीं है कि नहीं, कि रावण की नानी का नाम क्या है, वो शूर्पणखा का कहाँ गई भी, अरे जहाँ गई जाने दो उनको, कहाँ चली गई तो उसका विचार किया, हमको एक आदमी पूछा था फोन करके पूछा, तो जहर शूर्पणखा का कहाँ गई, मैंने कहा कि जाने दो कहीं भी हो आगे चलो, ब्रह्म मीमांसायाम न प्रेक्षावंत प्रवर्तेरन है ना, इसलिए जो है ब्रह्म मीमांसायाम ब्रह्म विषयक जो पूजित विचार है उस पूजित विचार में ब्रह्म मीमांसा में न प्रेक्षावंत प्रवर्तेरन है ना, प्रेक्षावान जो व्यक्ति होती है, विचारवान जो व्यक्ति होते हैं उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, ना प्रवर्तेरन प्रवृत्ति ना हो, वेदलिंग लिंग लकार प्रवर्तेरन बहुवचन में है ना, प्रथम पुरुष बहुवचन प्रवर्तेरन प्रेक्षावंत ना प्रवर्तेरन, ब्रह्म मीमांसा में ब्रह्म विषय का पूजित विचार में अनुकूल विचार में प्रवृत्ति नहीं हो, क्यों, देखो प्रवृत्ति का हेतु क्या होती है, प्रवृत्ति का हेतु संसार प्रयोजन और संसार प्रयोजन को सूचित कौन करती है, जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा है ना,
जिज्ञासा से सूचित होते हैं संस प्रयोजन, और संस प्रयोजन से फिर क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। किसकी प्रवृत्ति होती है? विचारवान व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है ब्रह्म मीमांसा में, ब्रह्म विषय को विचार में। इसलिए हम लोग जो है विचार में लगे हैं, ये होता है। चलो भाई, नहि तदानीं ब्रह्म वा तद्ज्ञानं वा अविधेय प्रयोजने भवितुम अर्हतः। कह रहे हैं देखो भाई, बोलते हैं कि जो है ब्रह्मा और ब्रह्म का ज्ञान, ठीक है ना भाई, तो ये स्वरूप से अभिधेय और प्रयोजन नहीं होते हैं, समझ में है ना। अभिधेय होता है विषय, अभिधेय होता है विषय, और प्रयोजन है फल, है ना। तो बोलते हैं ब्रह्मा स्वरूप से जो है ना अभिधेय नहीं होता है, विषय नहीं होता है। संदिग्ध ब्रह्म ही शास्त्र का विषय होता है, ये समझ के रख लो भैया। कैसा ब्रह्म? संदिग्ध ब्रह्म, ब्रह्म जिस ब्रह्म के विषय में हमको संशय हो रहा है वही ना शास्त्र का विषय होगा। लेकिन ब्रह्म स्वविशेष है कि निर्विशेष है, संशय हो रहा है कि नहीं? भिन्न है कि अभिन्न है, विवर्त उपादान है कि परिणामी उपादान है? हाँ, केवल निमित्त कारण है कि उपादान कारण भी है, ये सब संशय होता है कि नहीं? तो इसलिए जिस ब्रह्म के विषय में संशय होता है ऐसा संदिग्ध जो ब्रह्म है वो होता है अविधेय। अज्ञात ब्रह्म अविद्या नहीं होता है, बिल्कुल नहीं जानते हैं वो अविद्या नहीं होता है। कहना क्या जाते हैं, संदिग्ध ब्रह्म ही शास्त्र का अविधेय होता है ना। असंदिग्ध ब्रह्म भी नहीं होगा, ब्रह्म का आपको निश्चय होगा तो विषय काय क्यों होगा फिर? और जब बिल्कुल नहीं जानते हैं ब्रह्म क्या है, कुछ पता ही नहीं है लोगों को, खाना पीना सोना, वो तो वो भी क्या होगा, विषय थोड़ी होगा। इसलिए ब्रह्म सविशेष है कि निर्विशेष है, ऐसा संदिग्ध हो तब जा करके शास्त्र का विषय होता है अविधेय, है ना। और प्रयोजन भी इसलिए अविधेय प्रयोजने, है ना, संदिग्ध अविधेय होता है उसका जो ज्ञान है वही होता है प्रयोजन। स्वरूप से ब्रह्मा अथवा ज्ञान प्रयोजन नहीं होता है। अविधेय प्रयोजने ब्रह्मा तद्ज्ञानम नहि भवितुम अर्हति, ऐसा लगाना है, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखो, अनाध्यस्त अहम प्रत्यय विरोधेना वेदांतानाम एवं विधे अर्थे प्रामाण्य अनुपपत्ति है। और तुम जो कहते हो भी सद्वितीय ब्रह्म, सविशेष ब्रह्म, है ना, यही वेदांत का उसमें प्रामाण्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो, अनाध्यस्त अहम प्रत्यय विरोधेना, जब अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य का विचार किया तो क्या ज्ञान हुआ? अहम प्रत्यय। कैसा अहम प्रत्यय? अहम सुखी, अहम दुखी, ऐसा प्रत्यय नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म को विषय करने वाला जो ज्ञान है ना, इसको कहते हैं अनाध्यस्त अहम प्रत्यय, है ना। अनाध्यस्त अहम प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। अद्वैत ब्रह्म विषयणी जो वृत्ति हो गई, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, और कोई संदेह है ही नहीं, इसके साथ तो सद्वितीय का विरोध हो रहा है, समझ में ना। इसलिए तो उसी अर्थ में सद्वितीय ब्रह्म विषय अर्थ में वेदांत का प्रामाण्य नहीं हो सकता है ना, अनपपत्ते है। अच्छा, आगे थोड़ा सा ले लेते हैं। कर्म प्रवृत्ति उपयोगितया उपचरितार्थानां वा जपयोगिनां वा हुम फट इत्येवम् आदिनां अव्यवक्षितार्थानां अपि स्वाध्याय अध्ययन विद्याधीना ग्रहणत्वस्य संभवात्। देखो नारायण,
देखो ऐसा है, कर्म में प्रवृत्ति का उपयोगी है ना, तो कुछ लोग मानते हैं भाई कर्म कांड लोग मानते हैं, कर्म है जागादि कर्म, कर्म होता है जागादि, जिससे पुण्य होता है उस पुण्य का साधन को कहा जाएगा कर्म है। धर्म का हेतु हो गया कर्म, शास्त्रीय कर्म, शास्त्रीय कर्म में जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति का उपयोगी, उस प्रवृत्ति का उपयोगी कुछ ज्ञान हो जाए है ना, कि शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा ज्ञान थोड़ा सा हो जाए तब तो उपयोगी होगी, क्योंकि तो इस शरीर से तो इस शरीर को तो मिलेगा नहीं स्वर्ग, इस शरीर तो छूट जाएगा अभी है ना, इसलिए क्या है वह आत्मा शरीर से भिन्न, ये इतना ज्ञान उपयोगी है कि नहीं। और आत्मा अद्वितीय हो, निर्विशेष हो है, तो उसमें वेदांत का कोई शास्त्र का कोई तात्पर्य नहीं है ना। कर्म में प्रवृत्ति का उपयोगी होने से उपयोगी तया आत्मज्ञान कर्म की प्रवृत्ति में उपयोगी होता है कि नहीं। लेकिन जो अद्वितीय आदि का निरूपण कर दिया गया उसमें शास्त्र का, शास्त्र की विवक्षा नहीं है वो है ना, वो उपचरित अर्थ है वो, और द्वितीय अर्थ जो है वो उपचरित गौण अर्थ है वो। तुमको ब्रह्म कह दिया जीव को ब्रह्म कह दिया, अरे कह दिया तो ब्रह्म थोड़ी होगा, तुम ब्रह्म के सदृश हो इसलिए तुमको ब्रह्म कह दिया है ना। जैसे बच्चे को शेर बोल दिया, बच्चा थोड़ी शेर होता है, वो शेर के सदृश, सिंह के सदृश होता है, इसलिए वहां पर क्या होगा उपचरित अर्थ हो गया, गौण अर्थ हो गया, ऐसा मानते हैं ना भाई कर्मकांडी लोग, उपासक लोग यही मानते हैं। इसलिए अद्वैत में अद्वैत अर्थ उपचरित अर्थ हो गया, गौण अर्थ हो गया, ऐसा मानते हैं ठीक है ना। तो शुद्ध जो अद्वैत अद्वैत वेदांत है ना, बुद्धि में पकड़ना बहुत कठिन होता है ना, बहुत कठिन होता है, बहुत अधिकारी बनना बनना पड़ता है, तब जा करके अद्वैत सिद्धांत बैठता है बुद्धि में। तो अद्वैत सिद्धांत सबको यदि बैठ जाए ना, तब तो फिर जो है इतने सारे कर्म कांड है, उपासना कांड है, ये सब इतने नहीं होता फिर उसको सब अधिकारी बनाने के लिए ही सब होता है, कर्म कांड कहो, उपासना कहो, वो अष्टांग योग कहो, ये सब। अच्छा उसके बाद कहते हैं जप उपयोगी नाम वा होम फट इत्यादि नाम इत्येव आदि नाम अविवक्षितार्थानाम, इव अपि के बदले कहें कहीं इव पाठ भी है, इत्येवम आदि नाम अविवक्षितार्थानाम इव अपि के बदले इव पाठ भी कहीं कहीं है, चिंता न करो। होम फट स्वाहा बोलते हैं ना, कुछ वैदिक मंत्र में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है ना, उसका कोई अर्थ होता नहीं है, जैसे हुम कह दिया क्या अर्थ है उसका, कोई अर्थ तो है ही नहीं फट कह दिया उसका कोई अर्थ तो है ही नहीं है ना, फिर भी क्यों कहा गया फिर, तब तो अप्रामाणिक हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं, उसका पाठ कर लेने मात्र से पुण्य हो जाता है, इसी बगैर पाणिनि सूत्र में भी बहुत कुछ ऐसे है, कुछ वर्ण होते हैं उसका अर्थ नहीं होता है, निरर्थक होता है, फिर भी महाभाष्यकर कहते हैं देखो ऐसा नहीं समझना, वो निष्प्रयोजन नहीं होता है, अर्थ न होने पर भी निष्प्रयोजन नहीं होता है, उसका पाठ कर लेने मात्र से पुण्य हो जाता है। क्या उसको पाणिनि को पता नहीं था क्या तुमको पता है, तुमको पता है अभी तुम पढ़ते हो व्याकरण, पाणिनि को पता नहीं था, ऐसा नहीं है, जानबूझ करके लिखते हो है ना, क्यों उससे भी अदृष्ट हो जाता है। ठीक जिस प्रकार से कुछ वैदिक हैं मंत्र के शब्द होते हैं उसका अर्थ न होने पर भी पाठ कर लेने मात्र से अदृष्ट होता है, ये शब्द संस्कृत शब्द है, देवनागरी शब्द है, वैदिक शब्द है, अर्थ हो या ना हो है उसका पाठ कर लेने मात्र से अदृष्ट हो जाता है। अदृष्ट के पास छोड़ दीजिए, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं अर्थ न होने पर भी उसको यदि है ना अनुष्ठान करेगा तो मंत्र को सिद्ध कर लेता है,
मंत्र को सिद्ध कर लेता है ना, और उससे जो है सब का सारा कार्य हो जाता है ना। जैसे बिच्छू का मंत्र हो गया, सर्प का मंत्र हो गया, ऐसे बहुत कुछ मंत्र होते हैं। उसको देखोगे, कोष देखेंगे तो कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी तो जहर तो उतरता है जहर तो उतर जाता है, ऐसे होता है। क्या कहोगे? कोई एक थे वहाँ पर उड़ीसा में, वो एसपी थे, वो कोई उसका कोई मिश्रा नाम था, मिश्रा नाम था। तो वो बहुत अच्छे ज्ञाता थे सर्प के विषय में। उनको कोई सांप काट लिया मान लो, हैं उनको जाकर के जो बताएगा कि सांप काट लिया अमुक आदमी को, उसको एक थप्पड़ मारते थे, जो कस करके मारते, एक थप्पड़। इसलिए थप्पड़ खाने वाला भी मजबूत होना चाहिए जो है बोलते उसको एक थप्पड़ मारे, जाओ कहाँ कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ, जाओ बोलेंगे तो जाएगा, तो सब ठीक हो जाता था। वो बताओ तो मंत्र है कि नहीं वहाँ पर भी, ऐसे होता है। बोले क्यों थप्पड़ मार दिया तो उसी से ठीक हो जाता है उसको, ऐसा होता है। होम फट, इसका जैसे कोई अर्थ नहीं है, इसमें कोई विवक्षा नहीं होती है। इत्येवम् आदिनाम अविवक्षातार्थानाम इव अथवा अपि, हुम फट का हाँ मुख्य अर्थ कोई विवक्षित अर्थ तो है ही नहीं, अविवक्षित अर्थ है। इसी प्रकार से जो है कुछ वेदांत भी क्या है वेदांत वाक्य का अर्थ भी नहीं है, मुख्य विवक्षित अर्थ नहीं है, फिर भी स्वाध्यायो अध्येतव्यः कह दिया ना। स्वाध्यायो अध्येतव्य कहने से क्या हुआ है, तो विवक्षित अर्थ वाला मंत्र का भी अध्ययन करे, और जिसका अर्थ नहीं है जैसे हुम फट उसका भी अध्ययन करे, क्योंकि सबका अध्ययन करना है। ठीक इसी प्रकार से वेदांत का भी अध्ययन करना है, ऐसा पूर्व पक्षी लोग कहते हैं। स्वाध्याय अध्ययन विधि अधिना ग्रहण तस्य संभवा, स्वाध्याय विधि के अधीन है ये सब सारा मंत्र है ना, ये संभव होगा। तस्मात, इसलिए क्या हुआ, संदेह प्रोजन सूचनी जिज्ञासा, संदेह और प्रोजन उसको सूचना करने वाली, सूचित करने वाली कौन, जिज्ञासा पद है। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा हो रही है। जिज्ञासा पद के द्वारा क्या सूचना हुई, संदेह और प्रयोजन, जिसके विषय में जिज्ञासा हो रही है उसका संदेह होता है पहले साधक को, और प्रयोजन होता है जानने का फल भी होता है। इसलिए संदेह प्रयोजन यदि ना हो तो जिज्ञासा क्यों होगी प्रेक्षावान व्यक्ति की, बुद्धिमान व्यक्ति की, है ना। इसलिए संदेह प्रयोजन सूचनी, सूचनी बोलते हैं, सूचना कहो सूचनी कहो, ये पर्याय है ना। सूचित करने वाली को बोलेंगे सूचनी, है ना। जिज्ञासा पद सूचनी है, किसकी सूचनी हो गई, संदेह प्रयोजन की, क्योंकि जिज्ञासा कार्य है, कारण होता है संदेह प्रयोजन, इसलिए कार्य कारण का सूचक होता है, जैसे धुमा बनने का सूचक, इसी प्रकार जिज्ञासा शब्द संदेह और प्रयोजन का सूचक है, ये है। इसलिए पद तो पद से, और वाक्यतश्च वाक्यत से, प्रधानम विवक्षितव्या विवक्षितव्या, इसलिए शब्द हो जिज्ञासा शब्द हो अथवा वाक्य ले लो अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, इससे जिज्ञासा पद ही प्रधान है, यही विवक्षित है ना, कि प्रधान ही विवक्षित होता है। इसलिए क्या हुआ, न तो तस्या अधिकार्यर्थत्व अधिकार्यर्थम, इसलिए वो जो जिज्ञासा है वो आरंभणीय नहीं होगी। अधिकार्य बोलते हैं आरंभणीय को, जिज्ञासा आरंभणीय नहीं हो सकती, जिज्ञासा का आरंभ करे है ना। इसलिए आरंभ को बोध कराएगा, ज्ञापन करेगा कौन, अत शब्द, अत का अर्थ हो गया आरंभ। इसलिए अत शब्द का अन्वय किसके साथ होगा, जिज्ञासा, लेकिन जिज्ञासा आरंभणीय हो तब ना,
जिज्ञासा आरंभ करें, ऐसी आरंभ नहीं होती है ना, इसलिए जिज्ञासा का आरंभ है को सूचन करने वाला, ज्ञापित करने वाला अथ शब्द नहीं होगा, इसलिए अथ शब्द का अर्थ आरंभ नहीं बन सकता है। आगे लिखे हैं देखो, अप्रस्तुयमानत्वा, जिज्ञासा की प्रस्तुति, जिज्ञासा का आरंभ आगे भी नहीं है, जन्माद्यस्य यतः, जगत उत्पत्ति स्थिति लय का कारण जो ब्रह्म है उसका आरंभ करें, ये नहीं हो सकता, इसलिए अत शब्द का अर्थ आरंभ नहीं होगा, है ना। आगे एक पंक्ति ले लें, ये ना जिससे कि तत्सवे व्याहृतो अथ शब्दो अधिकारार्थ स्यात्, जिससे कि तत् तत् कहने से ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा पद के सभी व्याहृत, मतलब पास में उच्चरित पहला शब्द हो गया ना, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा में पास में उच्चरित शब्द हो गया अथ, है ना। सामी व्याहते मतलब समी में उच्चरित्य को बोलते हैं समाभि व्याहृत, जिज्ञासा पद के पास में उच्चरित जो अत शब्द है वो अत शब्द अधिकारार्थ स्यात्, अधिकार अर्थ वाला होता है ना, परंतु जिज्ञासा का आरंभ नहीं हो सकती है, जिज्ञासा की आरंभ होती नहीं है, जिज्ञासा हो ही जाती है भैया। चित्त शुद्ध हो, साधन चतुष्टय संपन्न हो गया है ना, तो जिज्ञासा तो स्वतः बुद्धि में हो ही जाती है, बिल्कुल आरंभ नहीं की जाती है, उसका विधान नहीं किया जाता है ना। अच्छा बस इतना में रखते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।